सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में नया नया काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए या नहीं, इसी वीडियो के जरिए में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप नया नया इंट्राडे में काम करना शुरू किए हैं, आप इंट्राडे में काम करके पैसा कमा पाएंगे या नहीं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को एक कड़वा सच बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में नया नया काम कर रहे हो और आप खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, आप ज्यादा प्रीफर करोगे कि मुझे इंट्राडे पे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंट्राडे पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है। आपको कुछ मिनट के अंदर या कुछ घंटे के अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा कभी कभी मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों जो नया नया काम करते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट इंट्राडे पे आता है। लेकिन दोस्तों मैंने ये सच बात बता रहा हूँ, अगर आप नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आप मार्केट में अभी अभी आए हो तो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ऐसे होगा कि आप अगर इंट्राडे पे काम करोगे तो भी आपके कैपिटल के 50-60% लॉस कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए ऐसे होता है, अगर आप मार्केट में नया नया काम शुरू किए हो, आप जब ट्रेडिंग लेते हो आपका मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। सोच लीजिए आपका 3-4 बार नुकसान होने के बाद आपका कभी कभी एक एक बार प्रॉफिट हो जाता है। जब कभी कभी एक एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो आप लोग दिमाग में ये सोचते हो कि मुझे अभी इंट्राडे में ट्रेडिंग करना आ गया, अभी मैंने इसी इंट्राडे पे ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसे जनरली होता नहीं है। क्या होता है, अगर आप ऐसे सोच लेते हो कि मुझे अच्छे से ट्रेडिंग आ गया और मैंने अभी बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, दोस्तों ये सोच के आप बड़ा पोजिशन लेते हो और उसके बाद और बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कैपिटल कब खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल ये चीज को करना चाहते हो तो देखिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो आपका नोटबुक पे वो सारे ट्रेड को लिख के रखिए, और 8-10 ट्रेड लेने के बाद आप कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ उसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए दोस्तों आपको पता चल जाएगा आपका कितना बार प्रॉफिट हो रहा है, और जब प्रॉफिट हो रहा है वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और कितना बार लॉस हो रहा है, जब लॉस होगा तो कितना बड़ा लॉस होगा। देखिए दोस्तों मैक्सिमम टाइम आप जब कैलकुलेट करेंगे आप नेट नेट लॉस पे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों शुरू शुरू में आपको इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मार्केट में सीरियसली काम करके कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हो तो दोस्तों इनकम जनरेट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, मार्केट कैसे मूवमेंट करता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में नया नया अभी काम स्टार्ट किए हो तो आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों आप जो भी ट्रेड लेते हो मैक्सिमम टाइम आपका ट्रेड गलत चला जाता है। अगर आप मार्केट में बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करके काम करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आप कोई भी काम कीजिए, उसी काम को करने से पहले आपको उसके बारे में सीखना पड़ता है। अगर आप एक डॉक्टर या इंजीनियर हो, देखिए वो काम करने से पहले आपको 20-25 साल पढ़ना पड़ा। इसीलिए दोस्तों ये एक टाइप का प्रोफेशन है, अगर आपको इसी पे काम करना है आपको भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉलेज पे मार्केट पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस सीख जाने के बाद भी आपको इंट्राडे पे शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप रियल मार्केट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग पे करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हो उसको 1-3 दिन तक या 1-2 हफ्ते तक जो आप बाय करके होल्ड करके रखते हो। आपके मन में अभी ये डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जाऊंगा तो मुझे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस के मदद पे आपका स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, नहीं तो अगर आप एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो देखिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग पे पैसा कमाने के लिए अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर भी काम करते हो तभी भी आपका पैसा बन सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप नया नया काम कर रहे हो और कोई एक स्टॉक को फोकस करके काम करने के लिए सोच रहे हो तभी आपको लार्ज कैप कंपनी पे काम करना चाहिए। लार्ज कैप कंपनी मतलब किसी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप कंपनी है जैसे HDFC बैंक, TCS, रिलायंस, इंफोसिस, आपको ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप कंपनी मिलेगा जहां पे आप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोई एक स्टॉक को फोकस करके ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो वो स्टॉक कैसे मूवमेंट कर रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, और मार्केट में पैसा जनरेट करने के लिए आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप कोई एक भी लार्ज कैप कंपनी पे आपका स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो।
आप टेक्निकल एनालिसिस जानने के बाद अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से आपके स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको मार्केट से अच्छा खासा इनकम आ जाएगा। दोस्तों ये था कुछ छोटे छोटे स्टेप, अगर आप आपकी ट्रेडिंग का लाइफ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और सबको शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।